दोस्तों, यदि आप भी अपना पर्सनल लोन लेना चाहते हैं पेटीएम के माध्यम से, तो आप कैसे मात्र 2 मिनट में 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के माध्यम से आप पर्सनल लोन कैसे ले पाएंगे। अगर कभी आपको भविष्य में इमरजेंसी पैसों की आवश्यकता पड़े तो आप कैसे पर्सनल लोन पेटीएम से मात्र 2 मिनट में ले करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके बाद आपका जो भी काम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि पेटीएम से कैसे आपको लोन लेना है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसमें लोन आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको लोन 100% मिलेगा। और यहाँ पर दिख रहा है अप टू 3 लाख, मतलब कि मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो। नहीं तो यहाँ पर आपको 40,000 भी लोन मिल सकता है, 20,000 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। आपको 1 लाख भी लोन मिल सकता है, 2 लाख या मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक आप पेटीएम से लोन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पर कि आपका लेन देन कैसा है। तो आपको मैं चेक करना बताऊँगा कि आपको लोन कितना मिलेगा और कितना मिलेगा और उसका कैसे मिलेगा, डिटेल पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन छाकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ जोर आप दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आना है और मोबाइल फ़ोन पर आने के बाद आपका जो भी पेटीएम एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको पहले पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, इसे इंस्टॉल करके उस पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास पेटीएम एप्लीकेशन होता है, तो मेरे पर भी इंस्टॉल है ऑलरेडी से। तो मैं अपने पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन आप अपना ओपन करेंगे तो आपको देखिएगा ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। आपको नीचे आना है, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको देखिए कि ये सबसे पहले पेटीएम पोस्टपेड, उसके बगल में पर्सनल लोन दिख रहा है और फ्री क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, आपको देखिए किसी भी बैंक से या किसी भी प्राइवेट बैंक से अगर लोन लेना है तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर पहले अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। फ्री क्रेडिट स्कोर जो लिखा है इस पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड नंबर डालकर फ्री क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर जिसे बोला जाता है चेक कर सकते हैं। अगर 700 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है ग्रीन जोन में तो आपको लोन जल्दी मिलता है और उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अभी फ्री मैं आज बात करने वाला हूँ पर्सनल लोन की, मतलब कि पेटीएम से आप लोन कैसे लेंगे। तो इसके लिए आपको पर्सनल लोन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका डिटेल आ गया, फुलफिल ऑल योर विशेस विद एन इंस्टेंट लोन। यहाँ पर देख रहा है गेट अप टू 3 लाख इन जस्ट 2 मिनट। 3 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर आप 2 मिनट में ले सकते हैं। वो पेपरलेस है, यहाँ पर 100% पेपरलेस है। कोलेट्रेड फीस आपकी यहाँ पर फ्री होने वाली, जीरो एफोर्डेबल आपकी ईएमआई होने वाली है। इसके बाद फ्लेक्सिबल टेन्योर होने वाला है, जो ईएमआई वगैरह होंगी बहुत ही छोटी होंगी आपकी। 100% पेपरलेस मतलब आपको किसी भी दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। अब नीचे लिखा है गेटेड नाउ और उसके जस्ट नीचे देखिए लिखा है लोन प्रोवाइडेड बाय आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। जो इनका देखिए जो पेटीएम के थ्रू, पेटीएम तो लोन नहीं प्रोवाइड करता ना, जो इनके सहयोगी होते हैं बैंक के वो लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अब आपको गेट नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा सब कुछ आपका डिटेल यहाँ दिख गया है। मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए, मैं सिविल स्कोर चेक कर चुका है, इसलिए मेरा ऑटोमेटिक पैन कार्ड ले लिया, मेरी डेट ऑफ बर्थ ले ली, मेरा जीमेल अकाउंट ले लिया। अब आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा, मेरा पिन कोड भी ले लिया, मेरी ज़्यादातर डिटेल फेच कर ली है ऑटोमेटिक। अगर आपकी डिटेल ऑटोमेटिक फेच नहीं कर पाता है तो आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी मैनुअली, और मैंने डिटेल हाइड कर रखी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑक्यूपेशन टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप क्या करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या है। अगर जो भी हैं आप नॉट एम्प्लॉयड जो भी है वो आपको यहाँ भरना है, या आपकी किसी अदर सोर्सेज से इनकम आती है तो वो आपको अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्लिक कर देना है। इसके बाद या तो आप यहाँ पर बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है उस पर क्लिक करके आपके अकॉर्डिंग जो फुलफिल लगे, आपको लगता है कि ये मेरा ऑक्यूपेशन मैं ये करता हूँ, वो आपको भर के डन करना है। सारी चीज़ें देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ आपका ही होना चाहिए। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर चेक कर लिया और मैंने लिखकर सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड विथ योर एप्लीकेशन कुड नॉट क्लियर आवर लेंडर पार्टनर्स आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड इंटरनल लोन अप्रूवल पॉलिसी, यू मे प्लीज़ ट्राई आफ्टर 90 डेज टू चेक अवर एलिजिबिलिटी।
अब देखिएगा यहाँ पर मुझे लोन देने से मना कर रहा है, कारण ये कि मेरा सिविल स्कोर दोस्तों बहुत ही ख़राब है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो बस इंस्टेंट आपका लास्ट स्टेप बचा था, लोन यहाँ पर आ जाएगा, कितना आपको मिलेगा। लेकिन मेरा सिविल स्कोर ख़राब होने के कारण मुझे यहाँ पर लोन नहीं मिल पा रहा है। अब मैं जी क्या होता है, 90 दिनों के अंदर सिविल स्कोर आपका अपडेट होता है। अगर आपने अच्छा कर लिया सिविल स्कोर तो 90 दिनों के लिए, इसीलिए बोल रहा है कि 90 दिनों बाद आप फिर से चेक करें, अगर आपको 90 दिनों के बाद लोन मिलेगा तो यहाँ पर दिखा देगा। अब मेरा तो यहाँ पर लोन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इम्प्रूव योर चांसेस, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ लोन लेने के लिए। रिप्लेस योर करंट ड्यूज, जो भी हमारे रीपे योर करंट ड्यूज, मैं लोन ऑलरेडी ले रखा हूँ दोस्तों, इस वजह बोल रहा है आपका जो करंट लोन है पहले आप उसे चुकता करें। इंक्रीज योर एक्टिविटी ऑन पेटीएम, पेटीएम पर आप ज़्यादा लेन देन करें, मतलब कि पेटीएम को ज़्यादा यूज करें। इसका लास्ट ऑप्शन है मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर, उसी वही बात आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रेडिट स्कोर यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा। देखिए 3 लाख तक कोई भी बैंक अगर लोन लेगी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कोई भी बैंक या कोई भी संस्था ऐसे लोन नहीं देती है, हम सभी लोग जानते हैं। तो अगर मेरा क्रेडिट स्कोर यहाँ अच्छा होता तो ऑटोमेटिक मेरा फॉर्म प्रोसीड हो जाता, थोड़ी सी डिटेल हमसे और मांगी जाती और आपका ईएमआई वगैरह, जैसे सपोज दैट मुझे 2 लाख रुपए का लोन यहाँ पर ऑफर होता, फिर आप ईएमआई सिलेक्ट कर सकते थे, 9 महीने में आप पेमेंट करना चाहते थे, 1 साल में 2 साल में जो भी है उसके अकॉर्डिंग ईएमआई सिलेक्ट हो जाती और आप प्रोसीड कर देते। आपका जो भी थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग फीस लगता उसके अकॉर्डिंग कटने के बाद आपका पूरा लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता और इसके बाद हर महीने आप ईएमआई अपना फिल करते रहते और यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट लगता वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाता। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, मैंने सिंपल सा प्रोसीजर बता दिया, मेरे पास ऑलरेडी एलिजिबिलिटी नहीं थी तो मैं पूरा ये नहीं बता पाया, लेकिन बहुत ही आसान है, 2-3 स्टेप्स और हैं, आसानी से आप फिल कर लेंगे और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।